हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। प्रताप स्कूल के NCC छात्रों को 20 श्रेणी प्रमाण पत्र का मिलेगा लाभ, मिली मंजूरी। ट्रायल के दौरान छात्रों ने दिखाया हुनर। हरियाणा 12वीं बटालियन के तहत प्रताप स्कूल को सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत NCC बी प्रमाण पत्र के लिए कोर्स करने की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत अब 8वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में ए प्रमाण पत्र लेने वाले छात्र अपनी 10वीं व 12वीं की पढ़ाई प्रताप स्कूल में करने के साथ साथ NCC बी प्रमाण पत्र यहीं से प्राप्त कर सकेंगे। शनिवार को खरखुदा के बरोना गांव में स्थित खेल स्टेडियम में NCC प्रमाण पत्र बी के लिए कैडेटों का चयन किया गया, जिसमें 11वीं कक्षा के 108 छात्रों ने ट्रायल में हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों को शारीरिक दक्षता जांची गई, जिसमें 400 मीटर की रेस, पुशअप, चिनअप में मौखिक व लिखित परीक्षा भी हुई। सूबेदार धर्मवीर सिंह ने व प्राचार्य धर्म प्रकाश ने गतिविधियों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर धर्मवीर ने बताया कि NCC भारतीय सेना में भर्ती में बेहद योगदान देती है। जिस छात्र के पास NCC के तीनों ABC सर्टिफिकेट होते हैं, उन्हें विशेष छूट मिलती है। NCC देश का बड़ा संगठन है, जिसे वर्दी पहनने का हक मिलता है। NCC छात्र शुरू से ही अनुशासन में रहता है व देशभक्ति एवं राष्ट्र भावना सीख जाते हैं, जो भविष्य में उनके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होती है। दया खापने की निहंगों द्वारा हत्या की निंदा, कहा पंजाब में भी ASI का काटा था हाथ। शनिवार को दया खाप प्रधान एवं सोनीपत ट्रक यूनियन प्रधान सुरेंद्र दहिया ने कहा कि कुंडली बॉर्डर पर जिस तरह से निहंगों द्वारा पंजाब के ही एक युवक की हत्या कर दी गई, भारतीय संविधान के खिलाफ है। गुरु ग्रंथ हर हिंदुस्तान की मान्यता है, फिर भी अगर कोई उनके विरोध में कार्य करता है तो उसके लिए भारतीय संविधान में सजा निर्धारित है, लेकिन जिस तरह से कुंडली में निहंगों द्वारा युवक की हत्या की गई, यह पूरी तरह से निंदनीय है। दया खाप इस कृत्य की निंदा करता है। दया खाप प्रधान सुरेंद्र दहिया ने कहा कि इसी तरह से लॉकडाउन के दौरान पटियाला की एक सब्जी मंडी में ASI द्वारा पूछने पर ही उसका बेरहमी से हाथ काट दिया गया था, जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय संविधान के मुताबिक ही निहंगों को कदम उठाने चाहिए थे। जिस तरह से युवक की हत्या की गई, वह सजा नहीं बल्कि तालिबानी व्यवहार दिखाता है। पुलिस को इस मामले में उचित कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने अपील की है कि इस तरह के कार्य किसी भी धर्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए। भारतीय संविधान के नियमों एवं हिदायतों का पालन करना चाहिए। कल जो सिंह बॉर्डर पे घटना घटी है, बहुत दुखदायी है। मुझे महसूस होता है किसी धर्म, जाति विशेष के प्रति या किसी भी पंथ के प्रति बेअदबी, जो ये तो गुरुद्वारा शब्द है, फिर भी उसका अपमान करना, मेरे हिंदी में अपमान करना जो है ना, वो सहनीय नहीं होता। पर इसमें भी आगे क्यों बहुत निकल सकते थे, इसको काल तक पहले जा सकता था, इसको कोर्ट भी जो है ना सजा कर सकती थी, उसमें प्रावधान है किसी तरह का। पर ये जो हत्या की गई है, इससे जो है ना समाज बहुत खिन्न है, सदमे में है, और मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। और आगे भविष्य में भी समाज से कहूंगा कि किसी धर्म के प्रति हमारा ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। और वो तो उसी धर्म का था, उसी पंथ का था, उसने अगर गलती की थी तो उसको जो है और तरह की सजा दी जा सकती थी। ऐसी सार्वजनिक सजा और वो भी हत्या, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं थी। इसमें पहले भी जो है ना पंजाब में एक सब इंस्पेक्टर का जो है ना पटियाला में भी ऐसे निहंगों ने हाथ काट दिया था, उसका उसने तो बेहद भी नहीं कर रखी थी, वो पूछ ही रहा था भाई आप कहाँ जा रहे हैं बिना पास के। तो ये गलत है, ऐसा जंग अपराध कोई भी संविधान में नहीं है हमारे में कि ऐसा किया जाए। फिर तो तालिबानी ही कहेंगे हम इस बात को कि भाई इंसानियत का कोई इंसानियत नाम की चीज ना रहे। चलो इसकी बेअदबी की बात थी, हम भी मानते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब का जो है ना सम्मान करता है, हर हिंदू सम्मान करता है, और वो सिखों के बराबर ही जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है। बिल्कुल कभी नहीं चाहेगा कि उसका अपमान हो, पर यह भी नहीं चाहेगा कि भाई किसी भी तरह जो ना किसी इंसान की जो ना जान को ऐसे सरेआम जो ना अंजाम दिया जाए। दया खाप इस बात की पुरजोर बरसात कर। जनहित अभियान फाउंडेशन द्वारा गांव निर्थान में फलदार पौधे वितरण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र हुड्डा ने बताया कि आज की मुहिम में फलदार 500 पौधे वितरण किए गए हैं। सभी ग्रामीणों से अपील की गई है कि सभी अपनी खाली पड़ी जमीनों पर पौधारोपण करें और जब तक वह पेड़ नहीं बनते उनकी देखभाल करें, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। पेड़ों के बगैर धरती पर जीवन संभव नहीं है। सभी मिलकर इस मुहिम को एक जन अभियान बनाएं। पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तापमान को सामान्य केवल पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। इस अवसर पर मास्टर दिलबाग, सरपंच परमजीत, भूमित दहिया, ईशु रिढ़ाव, मुकेश, नरेंद्र, बलवीर, मुनीराम, सोनू उपस्थित रहे। भारतीय नौसेना में बम्फर भर्ती, 12वीं पास, फटाफट यहां से करें आवेदन।
Indian Navy has invited application for unmarried male candidates for filling up Artificial Apprentice AA and Senior Secondary Recruits SSR for 500 and 2000 vacancies respectively. Selection will be based on performance in written test, physical fitness test and medical test. मैं डॉक्टर गगन कंसल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, टुलिपा हॉस्पिटल। आज हम इस माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्ट कॉमन सर्जरी जो आज के दिनों में परफॉर्म की जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट रिप्लेस किया जाता है वो नी है, घुटना है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में कहा जाता है कि हड्डी को काटा और जॉइंट जोड़ को बदला गया। नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली होता क्या है, तीन हड्डियाँ जोड़ बनाती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर का जो लास्ट पार्ट है, जो पार्ट ख़राब हो जाता है, दोनों हड्डियों के पार्ट को काट के स्मूथ कर देते हैं, उस पर एक स्पेशल टाइप की कैप लगती है जिससे हड्डी आपस में टकराती नहीं और पेशेंट को पेन फ्री हो जाता है। ये जो कैप का मटेरियल होता है बहुत बहुत ही ड्यूरेबल टाइप का होता है, जिससे जो जॉइंट है, जो बदला हुआ जोड़ है, 15 से 20 साल आराम से चलता है। पेशेंट का लाइफ स्टाइल प्रॉपर चेंज हो जाता है, वो अच्छे से चलता है, कोई पेन नहीं होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन परफॉर्मिंग सर्जरी नाउअडेज़ इन। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, स्ट्रेमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।